अच्छा अरे देखो राके वो लगते नौका आपका वजह मजा ले होएगा नहीं हमारे आपको कौन डरा रहा है मैम आप यहाँ पे थोड़ा सा चलते हुए आप लोग बैठ जाइए आप राकेश करते हैं ना सर थोड़ा सा ये करते हैं चलते हुए भाव आप आ गए हो ना थोड़ा भाव भाव इंदू के लिए आइए सामने देखो सर मनमोहन थोड़ा पीछे ले ना रहा है आगे ले रहा है इतना भी ये प्रोडक्शन में सबको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ कि बहुत अच्छा काम कर रहे सबके सब और आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ जब जब आपके साथ मेरा इंटरव्यू हुआ तब तक बताया मैंने कि नए नए लोगों को जो अभी इन लोग चांस दे रहा है ये बहुत ज़रूरी है नए लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं उनको चांस देना बहुत ज़रूरी है इनके साथ मैं अभी कुछ टाइम पहले ही जुड़ा राजा भाई से शैली मैम से हमने कश्मीर में भी एक वीडियो शूट करी जो बहुत जल्द रिलीज़ होगी एंड आई वाज लकी इनफ कि मुझे सेकंड टाइम इन लोगों ने ऑफर किया एंड आई सेड यस आई वाज वेरी हैप्पी विद द प्रोडक्शन विद द पीपल दे आर तो बहुत खुशी है बहुत एक्साइटेड है सब फॉर द प्रोजेक्ट मैं दिस इज़ माई फर्स्ट सॉन्ग विद दिस प्रोडक्शन बट आई वर्क विद द डायरेक्टर बिफोर डायरेक्टर के साथ मैंने पहले काम किया आई एम सो एक्साइटेड कि आप लोग ये सॉन्ग देखे जब रिलीज हो बिकॉज इट्स नॉट जस्ट आर एफर्ट इन इट इट्स ऑल्सो द पीपल बिहाइंड द कैमराज सो या आई होप यू गाइस विल रियली लव द सॉन्ग हम सब बहुत मेहनत कर रहे हैं इस पर एंड लाइक यू कैन सी आवर टीम इज रियली ग्रेट सो The label, like I said, this is my first song with them. He has worked with them before and I know the label is by her and her husband PG Handa. Really great people, really great scope and they're going to go really ahead. So, yeah. अभी एक्चुअली पर्टिकुलर जो अभी पॉइंट है यहाँ पर पहले हम 7 सॉन्ग को शूट कर रहे हैं देन भाव का सॉन्ग है सो आप सब तो हैं फैन भाव के सो आप सब लोग जुड़े रहिएगा गोल्डस्ट रिकॉर्ड्स के साथ अभी और भी प्रोजेक्ट्स आने वाले हैं जो नेटफ्लिक्स की सीरीज़ है और काफ़ी हम लोग मूवीज़ भी करने वाले हैं किसके बाप को नहीं डरता है कितने भी कंपटीशन में आवे समझा कंपटीशन होगा तभी तो मज़ा आएगा काम करने में हाँ क्योंकि जिंदगी में टक्कराव होना बहुत ज़रूरी होता है टक्कर वाले मिलना ज़रूरी होता है तब आप आगे बढ़ेंगे सब नॉर्मल मिलेगा तो थोड़ी कोई होएगा मज़ा नहीं आता है ना टक्कर मिलना में बहुत ज़रूरी है बेहतर यानी आपका परफॉर्मेंस परफेक्ट दो पहला तो फैन से प्यार करो लोगों की इज्जत करो बड़ा बनने के बाद अपने औकात मत भूलो समझा फैंस को नहीं भूलने का स्लैंग ऑफ मुंबई और बॉम्बे की भाषा में जो भाव ने इसको खींचा है और जो इसमें शैली मैम और पी वी हांडा जी ने गोल्ड डस्ट रिकॉर्ड से जो
इसकी पब्लिसिटी करने का प्लान बनाया है, ये बहुत अच्छा होने वाला है, बहुत अच्छा। किससे क्या कहते हैं? सी आई नो अबाउट द ऑडियंस, ऑडियंस को कुछ अलग चाहिए होता है, दैट अलग कुड बी एनी थिंग, इफ इट्स हटके दे लाइक इट। भाऊ ऑब्वियसली अलग हैं, सो यू नो दैट इज समथिंग ऑडियंस ऑलवेज लाइक, सो वी आर ट्राइंग। हमारे साथ राजा भाई हैं, ही कीप्स मोटिवेटिंग आस, एंड शैली मैम पी वी अंडर सर तो हैं ही, सो या आई एम श्योर गोल्डस रिकॉर्ड आगे बहुत अच्छे अच्छे नए प्रोजेक्ट्स लेके आएगा। गोल्डस रिकॉर्ड जो है अभी जिसे लॉन्च किया आपने, दो गानों के अलावा और कौन कौन से गाने आपके पाइपलाइन में अगर बता सकते? हमारा एक गाना के साथ कोलैब है, आप देखेंगे अगर चैनल पे जाके, तो वो कोविड के ऊपर कोलैबोरेट किया हुआ था पूरा सॉन्ग, COVID-19 इंटरनेशनल प्रोजेक्ट था वो, अब हल्के हल्के स्टार्ट हुआ है पूरा, तो अभी भाऊ का प्रोजेक्ट आ रहा है, गज़ल हमने शूट किया जैसे कि आकाश ने बताया आप सबको, तो है अभी काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स हैं जो आने वाले हैं। भाऊ को आपने जब अप्रोच किया तो भाऊ किस तरह से आए, क्या हुआ? तो डायरेक्ट अप्रोच करती है एक्चुअली नहीं, मुझे पहली बार ये राजा भाई मिलने को आए मेरे को, और वो प्रोजेक्ट के बारे में बताया। पहला तो मेरा क्या है मालूम है, जो भी नए ना डायरेक्टर है, प्रोड्यूसर है, नए आर्टिस्ट है, उनका अगर मेरे पास कोई आता है ना उनका, तो फिर मैं उनको मदद करता ही करता है, क्योंकि अभी बस हो गया, वो पुराने थोबड़े देख देख के ना परेशान हो गए, तो अभी इनको आगे बढ़ाना है मेरे को, ऐसा है, तो मैंने हाँ बोल दिया, ऐसा है। नए लोगों का टैलेंट देखो, आप लोग ना ये जो गली में छोटे छोटे झोपड़ों में जाके देखो, एक से बढ़कर एक आर्टिस्ट है, अब उधर ही मर रहे। मैडम को सर्दी हो गया पहुंच गए, कैसा सर्दी हो गया, उधर जाके देखो उन लोग कैसा एक्टिंग करते हो। एक्चुअली मेन जो है गोल्डस रिकॉर्ड्स का हमारा बनाने का मेन मोटिव यही था कि जो आर्टिस्ट टैलेंटेड हैं है ना, काफ़ी ज़्यादा वो लोग स्ट्रगल भी करते हैं बट उन्हें चांस नहीं मिल पाता, नहीं बहुत काफ़ी लोग हैं भाऊ आपके बात नहीं, इन लोगों का नहीं, इन लोग का शुक्र मानने का, तो ऐसे लोगों का ना ऐसा कंपनी का शुक्र मानने का जो इन लोग ना नए नए लोगों को ना चांस देते, इनका शुक्र मानो समझा, वरना ये ना बच्चे जो जिनके अंदर टैलेंट है ना, वो बेचारे इसके पास फाइल लेके गए, उसके पास एडमिशन के लिए गए, साले रुका के रखते दो दो तीन तीन घंटा समझा, इनको काम नहीं मिलता है, और ऐसे लोग ना तो फरिश्ते के जैसा आ जाते आगे, और ऐसे बच्चों को ना काम देते, तो वो आगे आपको दिखने में मिलता है कि ये ऐसा था। मैम आपसे जानना चाहूंगा कि आज कितने गाने की शूटिंग हो रही है और कौन से मूड के गाने? आज एक पंजाबी सॉन्ग की शूट हो रहा है और एक भाऊ के सॉन्ग का शूट हो रहा है, पंजाबी सिंगर हमारे लिए पुलकित आइए प्लीज। So, जो पंजाबी सॉन्ग के जो लिरिक्स हैं वो पुलकित जरूर आके सुनाएंगे। अरे बोलो ना, गाने की लाइन सुननी है क्या? मेरा फर्स्ट टाइम है, मैंने कभी ऐसा कुछ किया नहीं है, मैम ने बहुत मौका दिया मेरे को, तो बहुत बहुत थैंक्स है मैम आपका। एक लाइन हो जाती है। अत भी कराई वैल पुणा किता रीत नाल झुकी नहीं उपर कदे अत मैं अपने ही दम नाल कीती बदमाशी आके हवा विच कीता नहीं कठ मैं अपने ही दम नाल कीती बदमाशी आके हवा विच कीता नहीं कठ मैं जो तू अज करे पिछे मैं भी यही कीता साइको माइंड पिछे किन्ने ज्यादा कांड हो गया ओल्ड थिंक हो गई साडी चेंज बलिया तेरी किस्मत चंगी जट साध हो गया बिगड़े माहौल विच हुंदा किते फेस पता लगना भी नहीं सी कदों शांत हो गया। एक नंबर। तो ऐसे लोगों को ढूंढो आप लोग, नहीं ढूंढते वही सड़ेले फटेले आवाज वालों को ढूंढते रहते हैं। हाँ
ये है। और पंजाब के ना मेरे काफ़ी सारे दोस्त है, सिंगर है, बाप लोग हैं उन लोग गाने में। पंजाब में ना एक से एक सिंगर पड़ा है, पता आपको? ढूंढो उन लोग। उसका वर्ड्स और लिरिक्स में सबसे पहले मेन चीज़ है जो भाव का रियल नेचर है। जब मैं पहली बार इनसे मिला तो रियल नेचर देखा कि जो ये स्क्रीन पे दिखते हैं वो नहीं है। इतने लोगों की मदद करते हैं। जब हम इनसे मिलने गए, मैं और गोल्डस रिकॉर्ड्स के प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, और आप बिलीव नहीं करोगे कितना नेक आदमी, कितने नेक काम करते हैं, कितने लोगों की मदद करते हैं। लोग कहते हैं बींग ह्यूमन, असली बींग ह्यूमन ये है, और कभी जताते नहीं है। इतने लोगों की मदद करते हैं, कभी जताते नहीं है। ये मेरा फ़र्ज है, ये मेरा फ़र्ज़ निभाता है मैं, समझा? और हर किसी ने अपना फ़र्ज़ निभाना चाहिए। जब जब इतना ही नहीं कि आपका अच्छा टाइम आएगा तो भूल जाओ, जिसने आपको बड़ा किया या हिंदुस्तान ने बड़ा किया है ना, तो उसके लिए जब उनका बुरा टाइम है तो खड़ा रहो। वो मेरा फ़र्ज़ है, जो भी कम आता है उसमें से 70% मैं बांटता हूँ बाहर। हाँ, ये मेरा फ़र्ज़ निभाता हूँ, किसी के ऊपर मेहनत मेहरबानी नहीं करता हूँ मैं, ऐसा है। जो भी है, जो भी प्रोग्राम हुआ, जो भी हुआ, सबको मेरे तरफ से बधाई है, वो कोई भी रहने दो। क्या मालूम अभी, मेरे को तो नाचने आता नहीं, इन लोग क्या करने वाले मेरे को अभी तक नहीं मालूम है। वो पहले की फटेली आवाज सुनी थी ना, ये भी सुन। नहीं नहीं, मेरे को नहीं मालूम है, नहीं नहीं मालूम है, मेरे को है ही नहीं, मेरे को याद ही नहीं है। आप उधर सुन लेना, मेरे को सच में याद नहीं है। हाँ, क्या? अरे नहीं है रे, कुछ नहीं है। शर्मा था किसके बाप से, नहीं डरता भी किसके बाप से। आइए बोलेंगे, सुनो सुनिए सुनिए सुनिए। इक्की ना दुक्की ना बादशाह ना इक्का, मुंबई में चलेगा भाव का सिक्का। इक्की ना दुक्की ना बादशाह ना इक्का, मुंबई में चलेगा भाव का सिक्का। छूले पनीर बन जाए मटन टिक्का, मुंबई में चलेगा भाव का सिक्का। और इसमें इस गाने में फिर एंड में जो चीज़ें जोड़ी गई हैं वो ये जोड़ी गई हैं कि भाई आप लोगों से प्यार करें, जिसपे आपको नफरत आ रही है ना उसका रीज़न देखें, कुछ और है। अगर आप उसके जूते में पैर रख के देखेंगे, उसकी तरफ जाके देखेंगे, तो आपको लगेगा नहीं यार ठीक है उसके साथ कोई समस्या है। तो उसी नाम से लिखा गया कि अगर भाव का सिक्का चले तो हर जगह प्यार। जैसे ये गाना शैली जी ने सुना गोल्डस रिकॉर्ड के, उन्होंने कहा हम ये गाना करेंगे। कब तक दर्शक देख पाएंगे, कब तक अगले प्रोड्यूसर जाना चाहेंगे, इस गाने से क्या उम्मीदें हैं आपको? इस गाने से एक्चुअली हमें बहुत उम्मीदें हैं, क्योंकि आप सभी भाव के तो फैन हैं ही हैं, है ना? और प्लस जो लिरिक्स हैं वो भी आप सबको बहुत पसंद आएंगे, क्योंकि फुल इस भाव के स्टाइल में हैं। और बाकी जो सॉन्ग है, हर सॉन्ग मतलब अलग अलग कैटेगरी का है। जैसे आकाश ने गजल का शूट किया है, तो और उससे पहले हमने जो कोविड का किया था, अभी 7 सॉन्ग जो आ रहा है हमारा वो थोड़े गैंगस्टर टाइप में हैं। तो सब सॉन्ग से कुछ ना कुछ तो उम्मीदें होती हैं ना, तभी पंजाबी जितने भी नंबर हैं, चाहे बब्बू मान का हो, बी बरा का हो, बीका का हो, हमेशा हिट रहे हैं। हाँ जी, तो इसके बारे में क्या करें, अलग से क्या कर रहे हैं इसमें जो आपने डाला है? एक तो लैंग्वेज हमने सुना पंजाबी काफ़ी। हाँ जी, हाँ क्या करना चाहेंगे इस बारे में? देखो हर सॉन्ग अलग अलग तो होते ही है, काफी जानबूझ के आप मसाले वाला क्वेश्चन पूछ रहे हैं मुझे। ऐसे गाने जो स्पीड से गाने बहुत कम देखने को मिलता है, बहुत ही कैची सॉन्ग है जो गाया है। एक्चुअली पब्लिक को आजकल ये टाइप के बहुत कैनेडियन में कह सकते हैं, कनाडा में ज्यादा चलते हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, आजकल ऐसे सॉन्ग सब जगह चल रहे हैं। सो बच्चों को पसंद भी आ रही है सब ट्रेंड, हमें भी पसंद आता है। सो काफी उम्मीदें हैं। कैसा था मूसे वाला जैसा लगा था वैसे ही? नहीं, मूसे वाले से थोड़ा सा अलग है, वो आप लोगों ने देख लिया होगा। उनका टेस्ट अपना है, मेरा टेस्ट अपना है गाने का। वो भी है, गाना आपको बहुत पसंद आएगा, बहुत अच्छी चीज है। इससे पहले कितने आपके आ चुके हैं गाने? अब क्या ये पहला गाना ही है बस मेरा आया, इन्होंने मेरा हाथ पकड़ा जैसे कि, जो भी है इससे पहले कुछ भी नहीं था। नहीं, गोल्डस रिकॉर्ड की ये प्लानिंग है कि हर दिन एक गाना रिलीज हो, और जिसके पास कोई रिसोर्स नहीं है और उसे गाना आता है, लिखना आता है, बनाना आता है, कोई भी कला है, कोई भी आर्ट है, जिसके पास कोई रिसोर्स नहीं है
वो आके अपनी कला दिखा सकता है, उसके लिए पूरी तरह समर्पित है, उसको पूरा प्लेटफॉर्म देते हैं। हर दिन एक गाना रिलीज, ओल्डेस्ट रिकॉर्ड का ये मंत्र है, न्यू डे न्यू सॉन्ग। और बहुत जल्दी हम लोग लैंग्वेज कौन कौन से सारी लैंग्वेज सारी लैंग्वेज फिल्म में भी ये गाना यूज करेंगे आप? अभी आगे भी जाके पता चलेगा इसका। अभी बात करना चाहूँगा, हमेशा कोई भी मुद्दा होता है तो आप सच्चाई के खड़े होते हैं। फिल्म इंडस्ट्री में बहुत सारे इश्यूज होते हैं, बहुत सारा एलिजिबिलिटीज है, प्रॉब्लम्स हैं, आप क्या करना चाहेंगे बेहतरी के लिए आगे चलकर? तो करते ही आगे क्या ऐसा सपना है? नहीं क्या क्या यानी मुद्दे की बात करो, क्या मुद्दे की बात? देखो फाड़ता हूँ तो फाड़ते रहूँगा मैं। हाँ हाँ, मेरी संस्था है ना, 20 साल हो गया, एम्बुलेंस चलती है मेरी फ्री, 24 घंटा फ्री चलती है। मैंने क्या बोला, मैं जो कमाता है उसमें से 70% लोगों को मदद करता है, उनके ऑपरेशन से लेके कितने बच्चों की फीस भरता हो सब कुछ करता। क्या होता है ये बताना ना बताना ये अच्छा नहीं होता है, ये मैं मेरा फर्ज निभाता हूँ और कुछ नहीं। और ना हर किसी ने करना चाहिए, जो अभी बंगले में बैठे हैं ना वो जरा उतरो और मदद करो, क्योंकि ये लोगों ने 25-50 का टिकट निकाल के आपको बड़ा किया है। तो अभी आज आपका फर्ज बनता है कि नीचे उतरो और उनकी मदद करो। बोलो देखो, हर किसी का ना टेस्ट अलग होता है। अभी इसमें बहुत सारे ना नमूने भी पैदा होंगे गाना आने के बाद, ये क्या गाया वो क्या गाया, ऐसे है नमूने, फिर झाड़ूलाल के मोर बनाता हूँ फिर मैं। हाँ, और ऐसे नमूने जरूरी है, ये खोटा एडवर्टाइज करके लेते अपने यहाँ, ऐसा है, अपने को खर्चा करने की जरूरत नहीं पड़ती, ऐसे नमूने चाहिए, ऐसा है। क्या हाँ अश्लील, आपने कभी बोला? आपका भी फर्ज बनता है, आप भी ये देश में रहता है तो आपको भी बोलना चाहिए कि मैडम ये क्यों बनाया, हाँ आपके घर में ये चलता है क्या? तो ये दुनिया को बता रहे, यूथ को ये बता रहे, आप लोग क्यों नहीं बोलते? फट्टी है क्या आप लोगों की उन लोग से? मेरी नहीं फट्टी, मैं सीधा बोलेगा, वो कोई भी रहने दो, कितना बड़ा भी स्टार रहने दो या मैडम रहने दो, जो गलत है वो गलत है बोलेगा। किसी कबूतर का नाम ना इधर लेने का नहीं, समझा? माहौल खराब मत करो, समझा? उनकी औकात नहीं है और लोगों ने उनकी औकात दिखा दी। हाँ, तो ऐसे वो अच्छा शुभ मुहूर्त पे ना ऐसे कबूतर विभूतर का नाम मत लो इधर। बस मैं यही बोलता हूँ कि खास करके मैं है इसके लिए नहीं, ये नए जो है ना जो आर्टिस्ट, हाँ ये अपना करियर ये बॉलीवुड में बनाना चाहते हैं, जैसा सुशांत सिंह राजपूत ने बनाने का कोशिश किया मगर वो बनने नहीं दिया। तो मैं पूरे हिंदुस्तान के लोगों से बोलना चाहता हूँ कि ऐसे लोगों को मदद करो और इनको आगे बढ़ाओ, और जो जो इनके खिलाफ जाएगा उनको सबक सिखाओ। हाँ बस चला पहली फुर्सत। आप सब लोग भी इंस्टाग्राम पर और चैनल पे जाके देखिएगा सॉन्ग, और एक डांस नंबर भी है जो नागिन सॉन्ग है। इनका क्वेश्चन था कि कैसे कैसे किस किस टॉपिक पे सॉन्ग बन रहे हैं, तो मैं अभी बताना भूल गई कि हमारा एक सॉन्ग रिसेंटली रिलीज हुआ है नागिन बाय शंकर सहानी, तो आप सब YouTube पे जाके वो भी सर्च कर सकते हैं, काफ़ी अच्छा सॉन्ग है, आप सबको बहुत अच्छा लगेगा। चैनल का नाम बताइए। गोल्डन्स रिकॉर्ड्स। हाँ, गोल्डन्स रिकॉर्ड में जाके ना आप लोग इनके जितने प्रोजेक्ट बने आप वहाँ तक पहुँचाइए, लोगों तक पहुँचाइए और उनको बताइए कि ऐसा भी काम होता है। ठीक है, ऐसा समझना पड़ता है। ये बहुत गर्म हो रहा है, अभी दिमाग मत करो।